हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और आज हमारे पास है, जी हां, अमेज फिट की जो पॉप 2 है वो आप देखो यार, दिखने में बढ़िया है। बॉक्स इसका जैसा आता है वैसा ही है, यहां पर पानी में रखी हुई है, तो इसको मैं यहां पर रख देता हूं। ठीक है, इसको भी और थोड़ी देर रखे देते हैं, जब तक देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है और फिर उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो आप पीछे देखोगे यार, आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, यू नो, ब्लड ऑक्सीजन मीटर है, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ, 150 यू नो प्लस वॉच फेसेस एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अप योर गेम आपको इस तरह लिखा हुआ दिखेगा, ये इन्होंने इस प्रोडक्ट का स्लोगन बनाया है, और आगे आपको जो अपनी वॉच है उसका फोटो दिख जाएगा। इसको इस तरीके से आप पुल ऑफ करोगे। सो देखो यार, बॉक्स खाली है, इसको मैं यहाँ पर एज यूजुअल सजा के रख देता हूँ। ठीक है, सो आप अगर देखोगे, सो यहाँ पर जो थी वो वॉच रखी हुई थी, जो कि अभी पानी में रखी हुई है। ठीक है ना, और इसको आप यहाँ से अगर खोलोगे तो अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये देखो यार भैया, थोड़ा जो यू नो यूज़र मैनुअल होती है वो मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये देखो इस तरीके से ये चार्जर है वो मिलेगा। उसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो प्रोडक्ट मैनुअल का हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, पूरा वीडियो देख लो, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना, और साथ में ये रहा इसका चार्जर। ठीक है, चार्जर आपको या जो पीछे की तरफ होता है पिन वाला वो आपको मिलेगा, जो कि यूजुअली पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यार स्मार्ट वॉचेज में ऐसा ही आता है। बस ये तब भी एटलीस्ट अच्छा है कि इसमें मैग्नेटिक में से तो थोड़ा बैटरी तरीके से कनेक्ट होता है, वरना यूजुअली ऐसा होता है हिल जाता है ना, साला चार्ज पे रखी हुई है और मालूम पड़ता है चार्ज ही नहीं हुई, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, आ जाते हैं वॉच पे, इसको मैं निकालता हूँ। देखो यार, ये धीरे से पानी से बाहर, और आप ये देखो यार, ये अभी भी बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, सो इसको एक बार मैं थोड़ा साफ करता हूँ। सो जी, ये देखो पानी में से बाहर आने के बाद थोड़ी गीली तो यार है, लेकिन एकदम सही सलामत तरीके से चल भी रही है। चार्जर को भी भैया कर देते हैं हम लोग भी स्क्रीन से बाहर। सो आप देखो यार, सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में ही बात कर लें, तो भैया आप देखो, आपको बढ़िया सी एकदम देखने को मिलेगी, यू नो सिलिकॉन स्ट्रैप्स आपको इसमें मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कंफर्टेबल कितनी है अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। डिज़ाइन के ऊपर जैसे बोला तो यार, एलिगेंट मेटेलिक मिडिल फ्रेम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो बटन है आप देखो, यहाँ पर आपको लाल लाल देखने को मिला है, ये एसएस स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्राइप्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, जो डिस्प्ले है इसका आगे का यार, इसके बारे में बात कर ले। ओहो देखो, एक तो अल्ट्रा लार्ज 1.78 इंच का HD एमोलेड डिस्प्ले है। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले है, ये चीज़ है कि इसकी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। टच रिस्पॉन्स यार आपको ना मतलब मज़ा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ यार, बढ़िया टच रिस्पॉन्स है यार इसका। ठीक है ना, और इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, कॉल वगैरह भी आप इससे कर पाओगे, अभी आगे यू नो हम लोग पूरी डिटेल में सारी बात करने वाले हैं। सो आप ये देखो कि मैंने जो है आपको डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में बता दिया, टच रिस्पॉन्स बढ़िया है। सनलाइट विजिबिलिटी के ऊपर अगर हम लोग आ जाएँ, ठीक है, सो आप ये देखो, ओके यहाँ से हम लोग जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर जो ब्राइटनेस है आप ये देख लो यार, ये भी कम पे है, इसको आप इतनी बढ़ा दोगे तो आपको हार्ड सनलाइट में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, बिलीव में आपका बढ़िया काम होगा। ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो बैटरी है वो भी यूसेज हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो क्विक मेन्यू आता है, ऐसे आप करोगे तो आपके जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है वो आते हैं, यहाँ पर आप जाओगे तो भैया स्वाइप करते जाओ तो म्यूज़िक कंट्रोल, वेदर, ये अभी आपको इन सब के डेमो भी देने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है ना, और इधर से भी आप स्वाइप करोगे तो सेम ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये म्यूज़िक कंट्रोल का तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, सो ये आपको मैंने बता दिया। अब यार थोड़ा इसकी यू नो हाथ में कैसी लगती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर साथ में जो इसके डेमो है और कॉल क्वालिटी इन सब के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप ये देखो भी, हाथ में आप इसको इस तरीके से पहन लोगे तो इतनी बढ़िया सी ये जो है इस तरीके से आपको लगेगी। आप देख सकते हो भैया, ये बढ़िया लग रही है। ठीक है ना, कंफर्टेबल है। अगर गर्मी में को यार ये लगता है कि गर्मी में अभी तो ऐसे ठंड चल रही थी इतने ज़्यादा, लेकिन स्वेटिंग से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, मैं ये वाली चीज़ भी बता दूँ, है ना। साथ में आप ये देख लो भैया, इस टाइम मतलब एक बार क्लोजअप लुक भी देख लो यार, इस तरीके की कुछ दिखेगी। कमिंग टू द हम लोग यू नो जो अभी आपको इसका UI भी दिखूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका जो अपना ब्लड ऑक्सीजन मीटर है और जो हार्ट रेट सेंसर उसका डेमो देखो, तो हार्ट रेट से शुरू करेंगे। आप ये देखो, यहाँ पर गया स्टार्ट, एज यूजुअल रिकमेंडेड है कि बोलना नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा। और ये यार हर एक स्मार्ट वॉच की तरह ये भी थोड़ा यू नो जो मेजर करने में टाइम लेता है, और फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। आप ये देखो, इसने रिजल्ट दिखाना शुरू किया है। तो आप देखो यार, ये हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और 79 इसने जो रिजल्ट है वो दे दिया है। तो वही देखो, जो टाइम टेकिंग वाली चीज़ें वही बाकी, तो इसमें यू नो रिजल्ट देखो सही आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक बार ब्लड ऑक्सीजन मीटर का देखें, सेम इसमें भी रिकमेंडेड या नहीं बोलोगे तो और बेटर होगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये सेम देखिए, आपको ऐसा एनिमेशन आएगा जो आई थिंक हर एक स्मार्ट वॉच में ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है। और
थोड़ा टाइम लेगा ये, तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो सेम देखो वाइब्रेशन हुआ, इसे स्कोर थोड़ा पहले दिखा दिया था, लेकिन वाइब्रेशन के बाद ही जो है टेस्ट स्टॉप हो गया, देखो 99 इसने मुझे ये दिखा दिया है। अब इसको मैं फटाक से उतारता हूँ और आपको थोड़ा इसके यूआई के बारे में बताया था, उसकी कॉल क्वालिटी के बारे में क्या सोचना है मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा। सो देखो ये जो अपना फंक्शन बटन है इसको आप प्रेस करोगे, सो यहाँ से इसे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो आप ये देखो भाई डायल का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके भाई जो भी आपको नंबर डायल करना है वो आप करके यहाँ से सीधे कॉल कर सकते हो। ऑफकोर्स नंबर मैंने गलत किया, तो ये देखो यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, फ़ोन पर जाने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां से इस तरीके से स्वाइप करोगे बैक, कॉन्टैक्ट जो पर्सन है वो फिर कॉल रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा, वॉइस असिस्ट में है काफ़ी सही है, ठीक है। डेटा आपको ये दिखा रहा है, आप यहां पर जाओगे तो भाई आपने कितने स्टेप्स चल लिए वो वाली सारी चीज़ें, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीमीटर, वर्कआउट मोड्स के ऊपर चले जाए। तो देखो यार मैंने इसे बताया 150+ तो वॉच फेसेस हैं और 100+ आपके पास वर्कआउट मोड्स रहेंगे, वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, ठीक है, है ना, बास्केटबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, देख लो यार इतने सारे रग्बी अभी भाई मतलब जो खेलते हो यार वो वाला सारा आपको यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलता है। वैसे ही कैमरा को मतलब वही एज अ शटर बटन यूज़ करना है। वेदर के लिए भैया आपको यार वही है कि वेदर भी क्या चल रहा है, अलार्म स्लीप, अलार्म में यार इसका वाइब्रेशन ना अच्छा खासा होता है तो एक बार में नींद खुल जाती है, वो है टाइमर आपके पास है, स्टॉप वॉच है, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाली चीज़ यार ये एन आउट वो वाली चीज़ें, ठीक है ना। और फिर फाइंड माई फ़ोन करोगे तो ऑफकोर्स रहेगा ये यहाँ पर फीमेल हेल्थ के लिए इन्होंने स्पेशल अलग से यहाँ पर ये टैब दिया हुआ है जिसमें आपको यू नो सब कुछ सेट मारना होता है। फिर मैसेज आपने देखा, म्यूजिक कंट्रोल में आप लोगों को बता चुका हूँ, होम पे भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, फ्लैश लाइट आप यूज़ करते हो, सेटिंग्स में आप जाओगे तो ये ब्राइटनेस, ये देखो यार मतलब जो अपना ऑलवेज जो डिस्प्ले वाली चीज़ रहती है वो है। फिर क्लॉक है, स्क्रीन टाइम और बैटरी, बैटरी की इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं, यहाँ पर आपको बैटरी सेविंग मोड भी मिल जाता है, ठीक है ना। और ये पासवर्ड, वासवर्ड, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, ये जो आप सब चेंज कर सकते हो, ऑप्शन होते हैं वो है, मैं आपको यूआई फटाक से बता दिया है, ठीक है। अब एक बार जो कॉल क्वालिटी है मैं उसके बारे में जो आपको बोलना चाहूँगा कि देखो मैंने जितने लोगों से ही बात की ना यार, मुझे तो उनकी आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही थी, मतलब स्पीकर जो है इसका वो तो बढ़िया, लेकिन सामने वाले को जो आपकी आवाज़ आती है ना उसमें आपको एक तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है वो वाली चीज़ है, प्लस साथ ही साथ एक जो चीज़ सबने मुझे बोली कि यार तेरी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी एको में है, या जैसे मतलब मैंने कार चलाते हुए बात करी है, चलते हुए बात करी है, तो कहीं ना कहीं उनको बोले कि यार ऐसा लगता है कि मतलब तो कोई इंस्ट्रूमेंट है या लाउड स्पीकर या कोई ऐसे ब्लूटूथ यूज़ करा ये मालूम पड़ता है। बट यार देखो मेरे हिसाब से ना कार चलाने टाइम या थोड़ा वैसे तो ऑफकोर्स फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप बात कर पा रहे हो, ऑफकोर्स कार वगैरह के ब्लूटूथ वगैरह, लेकिन यार वो ये कि वॉच से भी बात करिए थोड़ा जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग भी आपको आ जाती है, लेकिन आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ये वाली बात है, ठीक है ना। तो कॉल क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो वॉच को यहाँ पर रखते हैं और इसके अंदर जो इको इन्होंने अब नई चीज़ करी है, ठीक है, नई चीज़ क्या मतलब बेसिकली ये देखो कि जैप ऐप की जगह पर जैप जो अपना एक्टिव है ये वाली एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो भैया, ये आपको जो अपना एप्लीकेशन का ओवरव्यू है मैं आपको वो दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पर आके देखोगे तो देखो अमेज़फिट पॉप 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाली सारी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने माय मेडल्स में ये आपको मतलब आपने जो टास्क वगैरह वो पूरे करते हो तो ये सब आपको देता है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो ये अपग्रेड अगर कुछ रहता है तो टाइम फॉर्मेट यूनिट्स वगैरह है, ठीक है ना। डायल सेंटर आपको ऑलरेडी ये देखो यहाँ पर जो 150 वॉच फेसेस की बात हो रही थी, 150+ वॉच फेसेस की बात हो रही थी, बहुत सिंपल है ये देखो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाला सेट करना है, मैंने यहाँ पर सिंक डायल किया, ये थोड़ा जो है वो टाइम लेता है, ठीक है। और आप ये देखो ये फेल्ड हो गया है क्योंकि बैटरी लो है। सो एक ये वाली चीज़ मैंने आई थिंक इसके पहले भी मतलब ये आई थिंक आजकल काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेज में इन्होंने ये चीज़ कर दी कि अगर बैटरी लो है तो आपको मे बी इट्स बैटरी सेविंग एंड ऑल थिंग, लेकिन ये नहीं होता है। सो ये वाला जो देखो डायल मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपने अगर एक बार कुछ डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आप सीधे सिंक कर सकते हो। सिंक करने में डिसेंट टाइम लेता है, मैं ये बोलूँगा मतलब 5-10-8 सेकंड्स लेता है, ठीक है, वो वाली चीज़ है, है ना। उसके बाद नोटिफिकेशन को भाई आप कहाँ क्या क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैंने व्हाट्सएप ऑन किया जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो सारे आप अपने ऊपर है, आप कौन से नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, कॉल रिमाइंडर आपको आ जाएगा, ठीक है। किसी के फोन हार्ट रेट की सेटिंग्स ये देख लो यार कि ऑल डे मॉनिटर, देखो व्हेन इट विल टर्न ऑन द डिवाइस विल ट्रैक योर हार्ट रेट इन एवरी 10 मिनट्स, तो अगर बढ़ता है तो ये आपको ना बता देता है कि हाँ भैया बढ़ रहा है, देख ले। फाइंड माई डिवाइस पे यार भी मैं ऐसे ही कंफर्म करूँगा, ये देखो यहाँ पर ये हल्का वैसा वाइब्रेशन इसमें आने लग गया और आवाज़ भी आ जाती है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड परमिशन वगैरह एंड ऑल तो नॉर्मल है। यहाँ पर रहते हैं होम पे, तो यार आप ये देखो भैया यहाँ पर आपके पास आएगा भर भर के डेटा, ये देख रहे हो आप इस दिन भैया अपन ने
इतनी कैलोरीज बर्न करी है, यहाँ पर अपन ने इतनी मतलब जितनी कैलोरीज बर्न करी है ये वाला रहता है। इसके ऊपर आप देखो वीक बाय वीक देख सकते हो, डे बाय डे सकते हो, मंथ बाय मंथ भी देख सकते हो। तो मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया, आप देखोगे कि अभी तक मेरा लास्ट मतलब मैंने इतनी कैलोरीज जो है वो बर्न करके रखी है। और ईयर का भी आपको दिखा देगा तो यार ऑफकोर्स ये इतना अभी दिसंबर का ही पूरा डेटा जो है वो बता रहा है, बिकॉज मैंने इसको आई गेस कुछ 12-13 दिन से या 12-13 दिन तो नहीं, आई थिंक 5 या 8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली बात है ना, थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो ऑल एक्सेस रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। जब भी आप कोई एक्सेस करते हो तो वो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। डायल सेंटर में आपको दिखा चाहूँगा, हार्ट रेट के बारे में आपको पूरा एज अ ग्राफ ये बता देगा, ठीक है। स्लीप जो है वो ये बता देगा, देखो भाई कि अगेन आपका वही जो डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक वाला जो रहता है। तो देखो यार मैं तो ऐसा लगता है घड़े घोड़े बेसिस होता हूँ, उठते नहीं हूँ यार, ऐसी वाली बात है। बट डीप स्लीप और लाइट स्लीप ये आपको बता रहा है। वीक में आपको देखो वही सेम वीक मंथ और ईयरली वाले में आपको ये बता देगा, ठीक है ना। ये वाले मतलब बेसिकली ये कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। वेट जो है आपका SpO2 मीटर पे भी है, ये आपको बताता रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज में यहाँ पर आप जाओ ऑन करेगा तो आपको मैप वगैरह भी आ जाएगा अपने, क्या मी ये वाला जो है ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मैंने आपको जो अपनी ये जैप एक्टिव ऐप है इसका भी पूरा पूरा बोलते ना ओवरव्यू जो है वो आपको दे दिया है। सो देखा है तो मैंने आपको अमेज फिट जो पॉप 2 है उसके बारे में बता दिया है, अप योर गेम वाला जो इनका स्लोगन है। तो अब आप बताओ क्या अमेज फिट ने पॉप 2 के साथ उनका गेम अप किया है नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कुछ सवाल हो वो भी कमेंट करके जरूर पूछना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।